हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटो टेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज अपने पास 125 सी सेगमेंट के अंदर में हीरो की तरफ से आने वाली सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। पहले इस बाइक के अंदर में आपको तीन कलर देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब यहां पर आपको एक नया कलर मैट नेक्सस ब्लू कलर मिल जाता है जो कि आपके सामने है। ये आपको यहाँ पर एक नया कलर देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये बाइक 125 सी सेगमेंट के अंदर में आपके लिए कितनी ज़्यादा सही रहने वाली है, क्या कुछ इस बाइक के अंदर में आपको फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है और क्या यहाँ पर आपको नए अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप हीरो की तरफ से सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को लेने के बारे में सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ से आप अगर चेक करते हैं इसके हेडलाइट को तो आपको यहाँ पर पूरी एलईडी बेस्ड यहाँ पर हेडलाइट मिल जाती है, जिसमें आपको हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप मिल जाता है। हाई बीम लो बीम दोनों यहाँ पर आपको इसमें पूरा एलईडी सेटअप के साथ में मिल जाएगा। हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर का सेटअप मिलता है। फ्रंट में आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है और जो ये अपना मैट नेक्सस ब्लू कलर इसके ऊपर में दे रखा है काफी शानदार लगता है। फ्रंट में इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन का सेटअप। मडगार्ड भी आपको मैट ब्लू कलर के अंदर में देखने को मिल जाता है। ये ड्रम वाला मॉडल, तो यहाँ पर आपको 130 mm की फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिल जाती है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। उसी के साथ साथ फ्रंट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 80x100 सेक्शन का टायर विद 18 inches के कुछ इस तरह के अलॉय व्हील के साथ में, जिसके ऊपर में आपको व्हाइट और रेड कलर के ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं स्टिकरिंग, जो कि आपको अलॉय व्हील के ऊपर भी देखने को ओवरऑल मिल जाती है। यहाँ से आप साइड वाइज इसकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसी आपको प्रोफाइल मिल जाती है और ये ब्लू कलर देखने में इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा शानदार भी लग रहा है। अगर आप यहाँ से इसकी प्रोफाइल देख ही सकते हो ओवरऑल। टैंक की तरफ चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सुपर स्प्लेंडर का 3D क्रोम के साथ में लोगो, एक्सटेक की बैजिंग मिल जाती है और मैट कलर का यहाँ पर आपको पूरा टैंक का थीम देखने को मिल जाएगा। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। इस तरफ भी अगर आप चेक करते हो तो आपको हीरो की स्टिकरिंग मिल जाती है और भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं नए तरीके के। 5-speed गियरबॉक्स सिस्टम आपको मिलता है इस बाइक के अंदर में। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा और अगर आप पास इधर से चेक करते हो रियर से तो कुछ ऐसी प्रोफाइल बाइक की निकल के आती है। 125 cc के अंदर में एकदम सिंपल आपको लुक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको हीरो की स्टिकर मिल जाती है। सीट काउल के ऊपर में सीट भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है, सिंगल सीट मिलती है और यहाँ पर आपको पूरा क्लोज चेनसेट कवर मिल जाता है जो कि आपको फायर बॉडी के अंदर मिलेगा। रियर में आपको 5-step एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर का सस्पेंशन सेटअप आपको देखने को मिल जाता है जो कि रियर के पर्पज से भी काफ़ी अच्छा है। बाकी मेटल में साड़ी गार्ड मिल जाएगा और यहाँ से अगर आप चेक करो तो ग्रैब रेल भी आपको इसी मैट ब्लू कलर में देखने को मिल जाती है। टेल सेक्शन आप चेक करो तो आपको हैलोजन बेस्ड टेल लाइट मिलती है, हीरो की स्टिकरिंग मिल जाती है टेल लाइट के ऊपर में और हैलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर का सेटअप आपको रियर में भी देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। नब बिल्डवाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर रियर में कुछ ऐसा मिल जाता है फाइबर बॉडी के अंदर में और मडगार्ड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा आपको वाइट देखने को मिल जाता है। रियर से आप प्रोफाइल देख ही सकते हैं। इस तरफ से अगर आप चेक करेंगे तो रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलती है 130 mm की। एग्जॉस्ट के ऊपर में आपको मफलर मिलता है जब बाइक रेडी होती है और फुटपैक्स की जो क्वालिटी है ये भी आपको रबराइज रहने वाले हैं और काफ़ी सही क्वालिटी के आपको ये मिल जाते हैं। किक मिल जाएगी आपको इस बाइक के अंदर में जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रियर बैक का पैड ऐसे आप देख ही सकते हो। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ ऐसे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 180 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है देखने के लिए और रियर में बात करते हैं टायर सेक्शन की तो आपको रियर में 90x90 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। रियर में इसके 18 inches के रियर में अलॉय व्हील के साथ में जो कि आप देख ही सकते हो यहाँ से और यहाँ पर भी आपको रियर के भी अलॉय व्हील के ऊपर में आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। थोड़ा बहुत क्रोम का आपको टचअप मिल जाता है और इस तरफ से भी आप प्रोफाइल इसकी चेक कर सकते हैं। 793 mm की यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाती है। 180 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। E20 कंपेटेबल की बाइक रहने वाली है। 12 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। मीटर कंसोल से पहले आप अगर चेक करते हो इसका बार हैंडल तो आपको क्रोम की बार हैंडल मिल जाती है। स्विचेस आपको पासिंग, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न मिल जाता है। क्लच वगैरह की लीवर्स की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पूरा डिजिटल यहाँ पर आपको मीटर कंट्रोल का सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको सारे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, डिजिटल क्लॉक सब कुछ यहाँ पर आपको डिजिटल देखने को एक्सटेक वाला इसमें मिल जाएगा। बाकी क्रोम का आपको ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाता है मीटर कंट्रोल के ऊपर में। आप चलिए बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में, जहाँ से आपको आइडिया लगेगा बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में। उसके बाद मैं इसकी प्राइसिंग आपको बताता हूँ कि इसके नए कलर की क्या प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 124.7 cc का एक एयर कूल 4-stroke सिंगल सिलेंडर OSC इंजन जो कि आपको 10.84 PS की मैक्सिमम पावर ले सके देने वाला है 7500 RPM पर। बाकी 10.6 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है 6000 RPM पर। बाइक का पावर फिगर आपको सेगमेंट के अंदर में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 55 km तक की माइलेज। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है और बाइक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको इसका ये मैट ब्लू कलर कैसा लगा। उसी के साथ में प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के ड्रम वाले वेरिएंट की मैट ब्लू कलर की प्राइस आपको देखने को मिल जाती है
97,800 रुपीज की एक शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस के साथ में कानपुर में, यानी कि 97,800 रुपए इसका आपको प्राइस देखने को मिल जाता है ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसी के साथ ही साथ अगर आपको इसको परचेस करना है तो शोरूम एड्रेस आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से आके हीरो की लाइन में किसी बाइक को परचेस वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ऑटो टेक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।